हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी एक प्राइवेट को एजुकेशनल अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, जो कि ऑफ कोर्स जिसका एड्रेस आप लोग देख सकते हैं 5 एल्गिन रोड श्रीपल्ली भवानीपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल 720। बहुत ही बेहतर कॉलेज माना जाता है, प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से बहुत ही बेहतर कॉलेज माना जाता है। ये कॉलेज भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर आप लोग ऑफकोर्स कॉलेज के साथ बीकॉम के साथ कुछ और कोर्सेज कर रहे हो तो बिल्कुल ये कॉलेज में आप लोग जा सकते हो। ये कॉलेजेस का प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अब कोर्सेज का बात करते हैं। भवानीपुर कॉलेज कौन कौन से कोर्सेस पढ़ाते हैं, सबसे पहले तो आप लोग देखिए BA, BBA, BCOM, BSc, MA और MCOM, ये सारे के सारे कोर्सेस यहाँ पे पढ़ाया जाता है। BA, BBA भी, BCOM भी, BSc और MA, MCOM, ये सारे के सारे चीज़ें। अब देखिए, MA आप इंग्लिश में कर सकते हो और MCOM भी कर सकते हो। BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में, BSc ऑनर्स फिजिक्स में, BA ऑनर्स बंगाली में, BA ऑनर्स हिस्ट्री में, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, BA ऑनर्स सोशियोलॉजी में, BA ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, BA ऑनर्स इंग्लिश में, BBA ऑनर्स और BCOM ऑनर्स, यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेस यहाँ पे उपलब्ध हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ है, बिल्कुल आप लोग चेक कर सकते हैं और आप लोग बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे info@bges.edu.in में आप लोग इनको मेल कर सकते हैं और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इससे आप लोग कोई भी इंक्वायरी इनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, इसके बारे में देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहला तो होना चाहिए कि आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए, क्योंकि BA, BSc, BCOM, BBA में 6 सेमेस्टर करके होते हैं, 6 सेमेस्टर करके होते हैं, तो आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ICSE, CBSE, WBCHE कोई भी बोर्ड से, या तो आप ओपन स्कूलिंग या तो आप NIOS से भी आए हो, फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो ये कॉलेज में। और मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए रहेगा अप्लाई करने के लिए 40%, 40% मार्क्स चाहिए होगा एग्रीग्रेट में एंड 40% मार्क्स चाहिए होगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स करना चाहते हो। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और ये तो था सिर्फ BA ऑनर्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं BCOM ऑनर्स के लिए। BCOM ऑनर्स के लिए बिल्कुल वही है कि 45% आप लोगों को बेस्ट ऑफ 4 में कम से कम लाना है अप्लाई करने के लिए, और 50% आपको बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में लाने हैं और 45% उस रिलेटेड सब्जेक्ट में लाने हैं जिस सब्जेक्ट से आप लोग ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है। और BBA का भी सेम है, BBA करना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पे 60% मार्क्स आपका पूरा एग्रीगेट में आना है और 55% फॉर द रिजर्व कैटेगरी, तो बिल्कुल सेम क्लासिफिकेशन है। 55% मार्क्स आपको 55% मार्क्स आपको पूरा का पूरा एग्रीगेट में लाना है और 45% मार्क्स आपको उस सब्जेक्ट में लाना है। बस ये आप लोग याद कर लीजिए। और अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग बिल्कुल इनके ऑफिशियल साइट में आ सकते हैं और साइट में आके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका फीस कितना होता है। देखिए, BCOM ऑनर्स का कम से कम आपको 48,000 तक लग जाएगा हर साल 48,000 लगेगा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। हर साल आपका BCOM ऑनर्स में 48,000 लगने वाला है। उसके बाद देखिए, BBA ऑनर्स करने वाले हो तो 65,000 करके अप्रॉक्स हर साल आपका लगने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी हमेशा 10+2 ही रहता है। MCOM करने वाले हैं तो MCOM 46,000 करीब करीब आपका लगेगा, ठीक है। 46,000 पर ईयर आपका MCOM करने में लग रहा है। देखिए, मैं ऑफकोर्स यहाँ पे तीनों साल आपका इतना फीस लगने वाला है, तीनों साल। ये पूरा का पूरा कोर्स भी नहीं है। BCOM में 47,500 तीनों साल लग रहा है, BBA में 65,000 तीनों साल लग रहा है, MCOM में 46,130 तीनों साल लग रहा है, BSc ऑनर्स अगर करेंगे तो 43,400 ये हर साल आपका लगने वाला है।
बीए ऑनर्स अगर करेंगे तो 42,750 के करीब हर साल आपका लगने वाला है, और एमए अगर करने वाले हैं तो इसका भी 42,110 आपका लगने वाला है, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्लेसमेंट का बात करते हैं और एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट सैलरी, ये सब सारे चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए प्लेसमेंट इस मतलब ऑफकोर्स भग्गू में आउट कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा से होता है, लेकिन इन कैंपस प्लेसमेंट का अगर बात करें तो इन कैंपस प्लेसमेंट में ऑफकोर्स TCS, विप्रो एंड कंटिज, तो ये सब सारे जॉब ऑफर्स लेके आए थे, ये सब सारे जॉब ऑफर्स लेके आते हैं भवानीपुर में, आप लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं ये सब जॉब, ठीक है। और बीकॉम, ऑफ कोर्स बीकॉम में और क्या चाहिए, मिनिमम 3 लाख ये पर एनम का सैलरी मिलता है, ठीक है, ये मतलब ये भवानीपुर कॉलेज में। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स भवानीपुर कॉलेज में, अगर आप ऑफ कोर्स प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं तो भवानीपुर इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर बीकॉम, तो आप लोग बिल्कुल इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए फिर हम लोग भवानीपुर का पूरा डिटेल्स आपको समझाने में सक्षम रहे, कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अब अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट कॉलेज का रिव्यू मैं ज़रूर दूंगा, और जितने भी कॉलेज के रिव्यू मैं दे चुका हूँ उसको पक्का से देखिएगा, प्लेलिस्ट में है सारा का सारा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।